चित्राल में सयाहों की तफरी के लिए एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां से मारखोर का नजारा भी किया जा सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शीरीनज़ादा वहां मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। रिपोर्ट कीजिएगा शीरीनज़ादा। जी, इस वक्त मैं गरम चश्मा जाते हुए मारखोर पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ जब भी मतलब आप गरम चश्मा जाते हैं तो रास्ते में यहाँ पर लोग ज़रूर रुकते हैं और यहाँ मारखोर का दीदार करते हैं। हमारे साथ कुछ खातून सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं आप कहाँ से आए, आपको हम वेलकम करते हैं, आप टाइम दे रहे, तो कैसा लगा आपको ये सब कुछ? हम बहुत मज़ा आया। हम पेशावर से आए और हम बम्बोरियत गए, कैलाश को विज़िट किया हमने, उसके बाद अब हम गरम चश्मा जा रहे हैं और यहाँ मारखोर पॉइंट पर रुके हैं और हमें यहाँ पे मारखोर और हिरन नीचे आते हुए पानी पीते हुए नज़र आए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। क्या पैगाम देंगे दिगर सयाहों को कि वो आए ना आए इस मौसम में? ये बहुत खूबसूरत जगह है, सयाहत हमारे मुल्क में उसका फ़रोग होना चाहिए और आप लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सकाफत को देख सकेंगे, उसको प्रमोट कर सकेंगे। एंड आई मस्ट से कि यू ऑल शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम क्या है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा यहाँ पर? मेरा नाम फरियाल है और मैंने देखा है कि यहाँ पे मारखोर और हिरन पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं अब? गरम चश्मा। गरम चश्मा जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बट आपका नाम क्या है? हासद। अच्छा हासद, ये बताएं आपने क्या देखा यहाँ पर? मारखोर और दियार। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? मारखोर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ये वाजे कर दूं कि यहाँ पर आप गरम चश्मा जाते हैं तो रास्ते में मारखोर पॉइंट आते हैं, यहाँ पर सयाह रुकते हैं और वो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा भी करते हैं, दरिया भी साथ बहता है और मारखोर का दीदार भी करते हैं। जी शुक्रिया शीरीनज़ादा, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आलमी पोलियो